धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, मैं आप लोगों को किस्सा सुना रहा था जो कुरान का सूरह यूसुफ वाला किस्सा है। सूरह नंबर 12, सूरह का नाम है यूसुफ। वो किस्सा मैं आप लोगों को सुना रहा था, 3 वीडियो मैं आप लोगों को दिया हूँ अब तक, 5 आयतों का। 5 आयतों में 3 वीडियो मैं अपना विचार आप लोगों को दिया हूँ, और ये किस्सा को मैं आज थोड़ा सा और आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। ये उसी सूरह यूसुफ का आयत नंबर 6, 7 और 8 मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है सूरह यूसुफ में, وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَعْوِيلِ الْأَحَدِيثِ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا آتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمُ وَإِسْحَاقُ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ। इसमें इब्न कसीर में इसका अर्थ लिखा है, और उसी तरह बरगुजीदा करेगा तेरा, तुझे तेरा परवरदिगार, और तुझे बातों की मतलब भी दिखाएगा, यानी जो ख्वाब उन्होंने देखा था उन ख्वाब का मतलब भी दिखाएगा, और अपनी नियमत तुझे भरपूर अता फरमाएगा। अभी एक कह रहे हैं यूसुफ के पिता याकूब, और याकूब के घर वालों को भी, जैसे कि उसने उससे पहले तेरे 2 दादाओं को, इब्राहिम और इसहाक को भी भरपूर अपनी इनायत दी थी। यकीनन तेरा रब बहुत बड़े इल्म वाला, बुजुर्ग हिकमत वाला है। यकीनन यूसुफ और उसके भाइयों में उनके दरियाफ्त करने वालों के लिए बड़े बड़े निशानी हैं, जबकि उन्होंने कहा कि ऐ यूसुफ, इसका कोई ना कोई निस्बत हमारे बाप को बहुत ज़्यादा प्यारा है, हालांकि हम ताकतवर जमात हैं, कोई शक नहीं कि हमारे अब्बा सरीह गलत फहमी में है। इस आयत का संदर्भ देखिए, ये इसको शान नुज़ूल कहते हैं, किस बिना पर यह आयत उतरी, ये इब्न कसीर पेज नंबर 633, पारा नंबर 12, सूरह यूसुफ, सूरह नंबर 12, आयत नंबर 6, 7 और 8 का संदर्भ। बशारत और नसीहत भी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने लखते जिगर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उन्हें मिलने वाले मर्तबा की खबर देते हैं, जिस तरह उसने ख्वाब में अपने तुम्हें ये फजीलत दिखाई, इसी तरह वह तुम्हें बुलंद मर्तबा नबूवत का भी अता फरमाएगा। ये भविष्यवाणी कर रहे हैं उस ख्वाब का। कौन ख्वाब का? जो यूसुफ ने जो ख्वाब देखा, 11 सितारा, चांद और सूरज सबूत को सीधा कर रहे हैं, उस ख्वाब का ये ताबीर बता रहे हैं उनके पिता याकूब, कि भविष्यवाणी कर रहे हैं कि ये क्या है, ये ख्वाब क्या था। इस तरह तुम्हें बुलंद मर्तबा नबूवत का भी अता फरमाएगा, और तुम्हें ख्वाब की ताबीर सिखा देगा, और तुम्हें अपने भरपूर नेमत देगा, यानी नबूवत, जैसे कि उसने नबूवत की माने उसके ऊपर अल्लाह का मर्यादा पूर्ण, उनके ऊपर जो कुछ भी नाजिल होना है विशेष दूत के माध्यम से,
इनके ऊपर उतारी जाएगी, इनके ऊपर जो उतारी जाएगी वो नबुवत का ये भी अता फरमाएगा और तुम्हें तुम्हें ख्वाब की भी ताबीर दिखा देगा और तुम्हें अपने भरपूर नेमत देगा यानी नबुवत। जैसे कि इससे पहले इब्राहिम खलीलुल्लाह को, इसहाक अलैहिस्सलाम को और फरमा चुका है कि तुम्हारे दादा परदादा थे, ये तुम्हारे दादा परदादा थे इसहाक और इब्राहिम। अल्लाह ताला इससे खूब वाकिफ है वे नबुवत के लायक कौन है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख़ानदान का तारुफ यानी परिचय हजरत यूसुफ और उनके भाइयों के वाक़यात इस काबिल हैं कि इनका दरियाफ्त करने वाला उसने बहुत ही इबरत हासिल कर सकें और नसीहत ले सकें। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक ही माँ के दूसरे भाई जो और थे जिनका नाम बुनियामिन था, यानी यूसुफ के जो छोटे भाई थे उनका नाम बुनियामिन था, वो भी पैगंबर थे, बाकी और भाइयों दूसरे माँ के थे। इन सब आपस में कहते थे कि वल्लाह अब्बा जान हमसे ज़्यादा उन दोनों को प्यार करते हैं। देखिए अब भाई भाई का प्यार पैगंबर के बेटों में अल्लाह नहीं बना पाए, नहीं उत्पन्न करा पाए। भाई भाई में हसद, भाई भाई में विवाद, ये पैगंबर के घर के संतानों की बातें हैं। आगे सुनिए क्या होता है। उन्होंने चाहते थे, ताज्जुब है कि हम पर जो जमात है उनको तरजीह देते हैं कि सिर्फ दो है, यकीनन हम वालिद साहब की सरी गलती है। ये याद रहे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को नबुवत पर दरअसल कोई दलील नहीं। ये इस आयत का तर्ज बयान तो इससे बिल्कुल खिलाफ पर है और लोगों का बयान है कि इस वाक्या के बाद उन्हें नबुवत मिली, लेकिन ये चीज़ बहुत बहुत ही ताज्जुब की दलील है। और दलील देखिए यहाँ एक दूसरे के विरोध में बोला, यानी तफसीरकार भाष्यकार आपस में भी एक मत नहीं है, कलम राय नहीं है, मतभेद है। और दलील में आयत कुरानी क्या है, कुलू आमन्ना में इस लफ्ज इबादत पेश करना भी इहतिमाल है, ज़्यादा वाकिफ नहीं रखता, इसलिए कि बतून बनी इसराइल की असबात कहा जाता है, जैसा कि अरबी को कबाइल कहा जाता है और अजाम को शुऊब कहा जाता है। बस आयात में सिर्फ इतना ही है कि बनी इसराइल के अस्ताव पर वही इलाही नाजिल हुई, उन्हें आजमाने के लिए ही ये किया गया है। ये बहुत थे लेकिन हर शब्द इस आदरान यूसुफ के नस्ल की थी, बस इस उसकी कोई दलील नहीं है कि खास इब्ने भाइयों को अल्लाह ताला ने ख्याल नबुवत भेजी कि अल्लाह जाने, ये लिख दिया अल्लाह जाने। अब देखिए कि लेखक ने क्या लिखा है, देखें अपने लेखनी पर भी उन्हें भरोसा नहीं है और ये लिख रहे हैं अल्लाह जाने, तो अल्लाह जाने तो आपको लिखने का क्या मतलब है, अल्लाह जाने अगर तो आप क्यों लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। यहाँ बात चल रही थी हजरत यूसुफ और अल्लाह के जिन्हें पैगंबर बना करके भेजा है, और एक भाई को दूसरे भाई सगे भाई माँ के साथ जो थे, यानी दोनों जो सगे भाई थे उनसे ज़्यादा प्यार करते थे और जो बच्चे थे उनके उन लोगों से उतना प्यार नहीं था,
यूसुफ और बुनियामीन से वो प्यार करते ताकि वो दूसरे माँ से जब जब 10 भाई थे नबी ने उनको पसंद नहीं किया। यहाँ हजरत याकूब यूसुफ के पिता और भाइयों से ज्यादा लगाव रखते थे और यूसुफ से और उनके भाई बुनियामीन से ज़्यादा नज़दीकी रखने का कारण बाकी 10 भाइयों में परेशानी थी और उन 10 भाइयों ने इन चीज़ों को सहन नहीं कर पाया और बाप के इस मोहब्बत से वो परेशान रहे कि इनसे ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए भाइयों ने हसद किया, भाइयों ने ये चाहा कि इनको दुनिया से मिटा दो तो बाप के प्यार को हम प्राप्त कर सकते हैं। अब इससे देखिए ये कुरानी किस्सा से दुनिया वालों को क्या मिल रहा है, मानव समाज को क्या मिल रहा है, मानव समाज को क्या दिया जा रहा है, मानव समाज में अल्लाह ने क्या संदेशा दिया है। यानी भाई भाई का प्यार होना चाहिए, यहाँ भाई भाई से हसद, भाई भाई से द्वेष, ईर्ष्या। इसीलिए तो मैं कहना चाहूँगा कि अरे भाई भाई का प्यार देखना हो तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आदि को देखें। भाई भाई का प्यार क्या होता है, एक छोटा उदाहरण मैं दे रहा हूँ। जब लक्ष्मण जी को चोट लगी और मूर्छित हो गए तो हनुमान जी ने आकर के पूछा कि भाई कहाँ दर्द है, तो लक्ष्मण जी ने कहा कि दर्द पूछना हो आपको हनुमान जी तो आप राम जी से पूछिए, आप मेरे से कहिए कि जख्म कहाँ है, मैं वो जगह बता सकता हूँ। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, दुनिया वालों को पता ही नहीं है, दुनिया वाले जानते ही नहीं है कि भाई भाई का प्यार को क्या होता है, भाई भाई में मोहब्बत क्या होती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ये पैगंबर अल्लाह का वंश, पैगंबर के, तो जब अल्लाह ने पैगंबर को क्या शिक्षा दी, पैगंबर को क्या बताया, उन पैगंबरों के द्वारा दुनिया वालों को क्या मिल रहा है, कुछ भी हाथ नहीं लगा। ऐसा ईर्ष्या और द्वेष से भरा हुआ है कुरान और बाइबल दोनों में ही ये किस्सा पाएंगे। इसलिए मैंने निवेदन किया कि ये विडंबना है जिस किस्से के द्वारा आज मानव समाज को वरगलाया जा रहा है ईश्वरीय ज्ञान बताकर, ईश्वरीय वाणी बताकर, ये वाकई में ईश्वरीय वाणी का होना संभव नहीं है। तो भाई भाई का प्यार देखना हो तो वो रामायण से देखना पड़ेगा, कुरान से भाई भाई का प्यार मिलना संभव नहीं है। और भाई भाई आपस में किस तरीके से हसद रखते थे और रखते ही नहीं थे, अपितु यूसुफ के जो सौतेले भाई थे 10 भाई 11 भाई वो सब यूसुफ को मारने के लिए वो ले गए थे। आगे आगे किस्सा बताते जाएंगे आपको कि वो कुआं में भी डालेंगे, फिर क्या क्या होगा वो सारा मैं खोल खोल करके आप लोगों के सामने रखूंगा। मैंने जो किस्सा छोड़ा था वो एक भाग में यह आज आप लोगों को और दिया, ये भाग नंबर 4 है। यूसुफ की जो घटना मैं बता रहा हूँ और आने कुरान की जो किस्सा मैं आप लोगों को सुना रहा था ये उस किस्से का भाग नंबर 4 है। आगे आगे मैं बताता जाऊंगा, आप देखिए और समझिए। दुनिया वालों को समझना चाहिए कि इस कुरानी किस्सा से दुनिया वालों को कुछ मिल रहा है, ज्ञान, या भाई भाई के दुश्मनी को आप देख रहे हैं और वो भी पैगंबर के, पैगंबर अल्लाह के और उन पैगंबर के संतानों में ये प्यार अल्लाह नहीं दे पाए, नहीं दिला पाए, जबकि अल्लाह का कहना है कि मैं जो चाहता हूँ वही होता है। وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ اللہ کے چاہنے پر ہوتا ہے، لیکن اللہ نے نہیں چاہا کہ ان یعقوب کے پتروں میں بھائی بھائی میں پیار ہو۔ تو بھائی بھائی کی دشمنی کو اگر دیکھنا ہو تو قرآن سے دیکھا جانا سمبھو ہے۔ انہی شبدوں کے ساتھ میں وانی کو ویرام دے رہا ہوں، اگلے بھاگ میں آپ لوگوں کو پھر اور سناؤں گا۔ بہت بہت دھنیواد۔